हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो संसद में जबरदस्त हंगामा बरपा है और इसी की लगातार कवरेज एबीपी न्यूज कर रहा है। कल संसद की कार्रवाई के दौरान जो बवाल मचा उस पर आज बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्यसभा में उपसभापति के खिलाफ अभद्र व्यवहार किया गया था, उस पर आज सभापति वेंकैया नायडू ने एक्शन लिया है। विपक्ष की अलग अलग पार्टियों के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजीव सातव कांग्रेस के सांसद हैं, इन पर कार्रवाई की गई है। निपुण बोरा कांग्रेस के सांसद हैं, इनको सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सैयद नासिर हुसैन सीपीएम के कांग्रेस के सांसद हैं, इनको निलंबित किया गया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, इनको बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। डोला सेन, इनको निलंबित किया गया है। के राजेश, आलमगीर और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, इन 8 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किया गया है। हालांकि सत्र साफ कर दिया गया था चेयर की तरफ से कि 7 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए निलंबित किया जा रहा है, लेकिन चूंकि सत्र पहले ही खत्म हो जाना है इसलिए फिर बाद में यह कहा गया कि 1 हफ्ते के लिए इन सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। डिसऑर्डरली कंडक्ट इन द वायलेशन ऑफ द रूल्स एंड एटिकेट्स ऑफ राज्यसभा, thereby bringing disrepute to this august house and causing insult to the office of honorable deputy chairman yesterday, that is the 20th September 2020. I name the following person: Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri KK Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dola Sen and Sri Alamaram Karim. The motion has been moved. The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair and their grossly disorder conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of the Deputy Chairman yesterday, that is 2020. Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri KK Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Sri Alamaram Karim. All these people have been named by the minister. And those in favor, please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek O'Brien, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri KK Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Alamaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. तो एल्डर हाउस, राज्यसभा में कल जो कुछ हुआ उसे वाकई में एल्डर्स की हरकत कहा जा सकता है कि नहीं, ये लोग आप तय करिए। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों को डांटते हुए सदन से बाहर जाने को कहा। विपक्ष के नेता की बात भी नहीं सुनी गई। रिपुन बोरा का नाम लेकर कहा गया आप बाहर जाएं। ड्रॉइंग पेपर्स रूल बुक ऑन डिप्यूटी चेयरमैन इज इट ए पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड। आई ओनली सजेस्ट टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्लीज डू सम इंट्रोस्पेक्शन and is it the way to conduct ourselves? You please sit down. Mr. Derek, you please sit down. Derek, I have to name you. Yes, I am naming Mr. Derek O'Brien. Please go out of the house. So if marshals were not called on time, what would have happened to the deputy chairman? I am worried. He says he was abused with objectionable words. These are all very unfortunate. These things should not be allowed. If you तो कल राज्यसभा में हंगामा हुआ और आज हंगामे के बाद कार्रवाई हो गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविकांत इसी मसले पर जुड़े हुए हैं। रविकांत, कार्रवाई करते समय वेंकैया नायडू खासे गुस्से में दिखाई दे रहे थे, मर्यादा तार तार होते उनके उपसभापति ने देखी, लेकिन कार्रवाई सभापति ने की। देखिए, गुस्सा होना काफी हद तक वाजिब और लाजमी भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो कार्रवाई हुई, कार्रवाई की जो वजहें हैं वो वेंकैया नायडू ने साफ साफ करके बताया, उसके बाद निलंबन का फैसला सुनाया। निलंबन के फैसले के बाद भी ये जो 8 सदस्य हैं, निलंबित सदस्य, ये सदन से इनको उसी वक्त बाहर चले जाना चाहिए था। एक अपनी जो मर्यादा होती है उसकी भी रक्षा करनी चाहिए थी और सदन से बाहर हो जाना चाहिए था। सदन से वो बाहर नहीं गए, न सिर्फ बाहर नहीं गए तब भी उनको चेयर की ओर से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कहा नहीं गया, उनको बाहर जाने के लिए पहले नहीं कहा गया।
लेकिन सदन में रहते हुए भी वो हंगामा करने लगे, वो फिर से बेल में आने की कोशिश करने लगे, अपनी सीट छोड़ करके वो दूसरी जगह खड़े थे और हंगामा कर रहे थे। बार बार उनको डिप्टी स्पीकर ने पहले बताया कि आप अपनी सीट पर चले जाइए, फिर भी वो नहीं माने। फिर डिप्टी स्पीकर ने भी स्पष्ट शब्दों में आठों सांसदों को बाहर जाने के लिए कहा और लगातार बाहर जाने के लिए कहते रहे, जो कि काफी किसी भी व्यक्ति के लिए एक ऐसी बात हो सकती है कि वो तुरंत बाहर चला जाता, लेकिन कोई भी सांसद बाहर जाने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद हार करके डिप्टी स्पीकर को सभा को स्थगित करना पड़ा। दो बार सभा सिर्फ इसलिए स्थगित हुई कि निलंबित सांसद मानने को तैयार नहीं थे, बाहर जाने को तैयार नहीं थे और तरह तरह से हंगामा कर रहे थे। अंत में उनको नाम ले रही है, आपसे अपडेट लेने के लिए फिर से हाजिर होंगे।